हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, वेलकम टू सिमिज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी पैनकेक्स की रेसिपी। तो शुरू करते हैं बनाना पैनकेक से। इसके लिए हमने एक मिक्सिंग जार ले लिया है, उसमें एक बनाना छील के तोड़ के डाल लिया है। अब इसमें एक कप दूध डाल लेंगे, एक चम्मच वनीला एसेंस डाल लिया है, 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। हमारा मिल्क रेडी हो गया है। अब एक बाउल ले लिया, उसमें एक कप गेहूं का आटा डाल लिया है, एक पिंच नमक डाल लिया उसी में, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लिया है। और हमारा मिल्क का मिक्सचर डाल थोड़ा थोड़ा डाल के और बैटर हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए या बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी रखिएगा। इसमें एक चम्मच ऑयल डाल लिया है मैंने, आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अब पैन को गर्म करके मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हमारा इस तरह से बैटर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको ज़्यादा पतला फैलाना नहीं है डोसा की तरह, थोड़ा सा ही फैलाना है। और इसको 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इस तरह से टर्न कर लेना है। इस तरह से अगर बबल आ जाए, थोड़ा लगे कि पक गया है, तो उसको टर्न कर लीजिएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इतना अच्छा। इसको हाई फ्लेम पर कभी मत पकाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, और दूसरी तरफ भी 2 मिनट पका लिया है हमने। देखिए हमारा बनाना पैनकेक रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी और ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स। इस पर बटर डाल के या हनी डाल के खा सकते हैं, या ऐसे ही आपको पसंद है तो खा सकते हैं आप। बहुत जल्दी बन जाता है ये। अब दूसरा रेसिपी देखते हैं, चॉकलेट पैनकेक। इसके लिए हमने 1 कप दूध ले लिया है, इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल लिया है और इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम बाकी की सामग्री ले लेते हैं। एक बाउल ले लिया, उसमें 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया हमने, इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डाल लेंगे, 1/4 कप जैगरी पाउडर डाल लेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लिया है। इसी में 1 से 1.5 चम्मच मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है, आप इसके जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखिएगा। और पैन को गर्म करके उसको ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लीजिएगा। फिर उसमें हमने अपना बैटर पोर कर दिया है इस तरह से। 2 से 3 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसको हाई फ्लेम पे कभी मत पकाइएगा, नहीं तो जल जाएगा। और इसको फिर टर्न कर लेंगे हम और दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको हाई फ्लेम पे कभी भी मत पकाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर देखिए हमारा बन गया, एक और बना के दिखाते हैं हम आपको। ये बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। इसमें हमने मैदे का यूज़ नहीं किया है, गेहूँ का आटा यूज किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये, और हेल्दी भी होता है। आप चाहे तो इसको बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना फटाफट बन जाता है ये। सबको पसंद आता है। आप चाहे तो इसको चॉकलेट सॉस या हनी के साथ खा सकते हैं, या कोई कोई तो इसको आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं, आप जैसा पसंद करते हैं। ये देखिए हमारे चॉकलेट पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स।